हाजिर हूँ खबरों का सिलसिला, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एक अहम खबर के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज से यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल गए हैं। छात्रों को यहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, ये सबसे अहम बात रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें कक्षा संचालन का, तो 50% क्षमता के साथ संचालन होगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ छात्रों को प्रवेश मिलेगा। तो आज से खुल चुके हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, जिसके अंदर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ छात्रों को प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा अगर क्लासेस की बात की जाए, तो 50% क्षमता के साथ ही संचालन किया जाएगा। और ध्यान इस बात का पूरे तरीके से छात्रों को रखना होगा कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता अमित सोनी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमित, कितना कुछ उत्साह अभी फिलहाल जो है स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा है, और कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो महाविद्यालयों को फॉलो करनी पड़ेगी? बेशक शायद लंबे 18 महीने का इसको लंबा इंतज़ार बोल सकते हैं कि 18 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद जो है स्कूल और कॉलेजेस को आज से शुरू किया। आज जिसको बोल सकते हैं कि पहला दिन है आज बच्चों का कॉलेजेस पहुंचने का। जो आप ये जहां इस वक्त मैं मौजूद हैं, कॉलेज की क्लासरूम का नज़ारा, जहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो गाइडलाइन है कोविड की, उसका पालन करते हुए स्कूल माफ कीजिएगा कॉलेज पहुँचे हुए हैं। और काफ़ी लंबा इंतज़ार इन बच्चों को करना पड़ा है, लगभग 18 महीने का ये इंतज़ार था, जब बच्चे आज एक बार फिर जो है अपने कॉलेज जो मैं पहुंचे हैं, अपनी पढ़ाई है वो पूरी यहाँ करते नज़र आ रहे हैं। तमाम जो गाइडलाइन है कोविड की, उनका पालन यहाँ पे किया जा रहा है। जैसा कि कहा गया कि 50% ही जो है छात्र जो है क्लासेस में प्रवेश कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन करवाया जाएगा, मास्क सैनिटाइजेशन, ये तमाम जो गाइडलाइन SOP हैं उनका यहाँ पे पालन कराया जाएगा। हमारे साथ प्राचार्य हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करता हूँ किस तरह की SOP सरकार की तरफ से जारी की है और छात्र आज आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने 8 तारीख को गाइडलाइन जारी की थी कि 15 सितम्बर से भौतिक रूप से कक्षाएँ आरम्भ करेंगे। COVID-19 के नियमों के अनुक्रम में आज से कक्षाएँ आरम्भ हो चुकी है यथावत विधिवत तरीके से, जिसमें पूरे नियमों का परिपालन किया जा रहा है। बच्चों का टेम्परेचर गेट पर लिया जाता है, उसके बाद बच्चों के हाथ सैनिटाइज करा के मास्क अनिवार्य रूप से। सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात यह है कि जो शासन के निर्देश है उसमें टीकाकरण को ज़्यादा जोर दिया गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जो यहाँ उपस्थित हो वो कम से कम प्रथम डोज का प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित हो, ताकि वैक्सीनेशन 100% हम कराने में सफलता हासिल कर सकें। हमारे महाविद्यालय लगभग 90% छात्र छात्राओं के द्वारा वैक्सीनेशन कराया जा चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आज ये है, निर्देश के अनुसार हम लोगों को मिली है कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करना। तो बच्चों से आज हम लोग यह शुरुआत करेंगे कि बच्चे घर पर जाकर अपने अभिभावकों को प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण योगदान में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मौजूद होंगे, और उन स्टूडेंट से भी ज़रूर बात कीजिए और उनसे भी जानिए कि उनका कितना उत्साह है, क्या वो अभी भी कोरोना से डरे हुए हैं। स्टूडेंट से ज़रूर बात कीजिएगा। भौतिक रूप से कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं हमारे महाविद्यालय में, और प्रशासन पूरी तरह तत्पर है भौतिक रूप से कक्षाएं आरंभ करने के लिए। बड़ा अच्छा प्रयास है ये। तो शायद यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस शासन ने जो गाइडलाइन तय की है कि जो यहाँ आने वाले छात्र हैं कम से कम एक डोज का वैक्सीनेशन लगा के आएँ, साथ में यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको मौखिक तौर पे बताएंगे, जो उनके परिजन हैं उनको और जो दोस्त हैं उनको टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आज अब 18 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद कॉलेज पहुँचे, किस तरह से महसूस कर रहा है, क्या इन्जॉयमेंट है, क्या दिमाग में चल रहा है आपके? दिमाग में यही चल रहा है कि अभी तक जो ऑनलाइन प्रोसीजर चल रहा था और जो ऑफलाइन प्रोसीजर शुरू हुआ है, तो ऑनलाइन प्रोसीजर में हम उतना चीज़ें नहीं समझ पाते थे, जो भी हमें नॉलेज गेन करना है वो हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता था। लेकिन ऑफलाइन जो एक माध्यम अभी चालू किया गया है, उससे ये है कि बेसिकली जिस टॉपिक के बारे में हम जानना चाहते हैं उसका एक्चुअल नॉलेज हमें मिल पा रहा है अभी ऑफलाइन क्लासेस की वजह से। तो ऑनलाइन उतना हमें नहीं भाता था, क्योंकि सेकेंड्स का फ़र्क होता था। अगर कुछ हमें बताया जा रहा है तो एक सेकेंड में हमारा बात आना या हमारा वहाँ तक पहुँचना होता था। ऑफलाइन में है कि हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, टीचर से कुछ भी डाउट है तुरंत पे पूछ सकते हैं। तो अभी जो ये ऑफलाइन माध्यम है वो यही है कि हम लोगों के स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा माध्यम है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो
यहाँ जो बच्चे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उनने वर्चुअल पढ़ाई की है तो वो कहीं उनके लिए कहीं ना कहीं कड़वा अनुभव रहा है, और कुछ बच्चे हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। 18 महीने बाद आज अपने कॉलेज पहुँचे हुए हैं, किस तरह से फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे 18 महीने बाद हम कॉलेज आ पाए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी ने हम लोगों को यह मौका दिया है, क्योंकि 18 महीने में जो ऑनलाइन पढ़ा है उसमें सबने अपना पूरा दिया है। मतलब हमने भी पूरी कोशिश की कि हम सब कुछ अटेंड कर पाएँ, और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे, और अभी सर ने जो, लेकिन जो ऑफलाइन की बात रही है ना वो कुछ और ही होती है। आप सामने सामने बैठकर आप कुछ भी पूछ सकते हो, वो जो तकनीकी जो इश्यूज़ होते हैं वो ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं होते, सबसे ज़्यादा समझ में आता है, और सबके साथ पढ़ने का अलग ही एक आनंद होता है जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत आनंददायक होता है। शायदा तमाम जो बच्चे हैं वो स्कूल अपने माफ़ कीजिए कॉलेज पहुंच के खासे उत्साहित हैं, उनको साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो वर्चुअली पढ़ाई करते आए यानी कि कंप्यूटर के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए पढ़ाई करते आए, तो ये अनुभव उनके लिए कहीं ना कहीं एक कड़वा रहा है, क्योंकि जो पढ़ाई उनकी हो सकती है तो वो टीचर और ब्लैक बोर्ड के सामने ही हो सकती है, जैसा इन बच्चों ने कहा। जी शायदा अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आज से जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं वो खुल चुके हैं, और 50% क्षमता के साथ इनका संचालन किया जाएगा। NOC सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो कि छात्रों को कॉलेज के अंदर मुहैया कराना होगा, और उसके बाद ही उन्हें कॉलेज के अंदर एंट्री मिल सकती है और क्लासेज वो अटेंड कर सकते हैं।